मेरे पीछे है ये लखनऊ हाईवे और आप देखिए तस्वीरें कि इस जगह पर तमाम होर्डिंग्स लगाई गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है वो 30 दिसंबर को होने वाला है। तो ये है लखनऊ हाईवे और यहीं हाईवे से ही एंट्री होती है अयोध्या के अंदर। जैसे ही एंट्री पॉइंट पर आप आएंगे तो एक बहुत भव्य विशाल आकृति में आप देखेंगे कि भगवान सूर्य वो 7 घोड़ों पर सवार यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे और यहीं से शुरुआत होती है अयोध्या नगरी। इस जगह पर आप देखें बहुत ही विशाल काय ये प्रतिमा ये मूर्ति लगाई गई है जिसमें 7 घोड़ों पर सूर्य देव वो सवार हैं और जब धर्म नगरी में आप प्रवेश करते हैं तो ये प्रवेश द्वार पर ही ये इसे इस आकृति को लगाया गया है। दूसरी तरफ आप देखें कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी इस जगह पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक दिन के बाद 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो है और कई कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। ये देखें ये धर्मपथ है और इस हाईवे को धर्मपथ से कनेक्ट करता है ये हाईवे और कोई भी अगर अयोध्या से बाहर से अयोध्या में एंट्री करेगा तो इस धर्मपथ के ही जरिए आगे उसको बढ़ना पड़ेगा और आगे जाकर सरयू घाट है, बीड़ा चौक है और इसके अलावा राम की पैड़ी है और थोड़ा सा आगे हम लेफ्ट बढ़ते हैं तो वहाँ पर हनुमानगढ़ी और इसके अलावा जन्मभूमि है जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो एंट्री पॉइंट पर बड़ी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और इसी प्रवेश द्वार पर ही इसी प्रवेश द्वार पर स्वागत करते हुए सूर्यदेव आपको नजर आएंगे तस्वीरों में और जिसमें 7 घोड़ों पर सवार सूर्यदेव स्वागत के लिए तैयार हैं।